मध्य प्रदेश शासन के श्रम मंत्री की बमोरी विधानसभा में एक मुक्तिधाम के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन यह मुक्तिधाम है जिसकी सुविधा इन लोगों को मिल ही नहीं पा रही है। जानकारी के अनुसार बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गड़ा के ग्राम नया गांव में मुक्तिधाम की भूमि तो है, लेकिन मुक्तिधाम के लिए ना तो यहां कोई चबूतरा है और ना ही कोई टीन शेड। मुक्तिधाम तक पहुंचने का भी मार्ग सही नहीं है। गांव के लोग मुक्तिधाम पर चबूतरे के लिए शासन प्रशासन से कई बार आवेदन दे चुके हैं। सरपंच हो, सेक्रेटरी हो, जिला पंचायत हो, हर जगह दर दर की ठोकरें भी खा चुके हैं ये ग्रामीण। नतीजा आज तक मुक्तिधाम पर कोई निर्माण नहीं हो पाया है। ग्राम पंचायत गड़ा के ग्राम नया गांव के समस्त ग्रामवासी कई बार इसके लिए आवेदन भी दे चुके हैं, जिस पर मुक्तिधाम पर टीन शेड की बात कही गई थी, पर सड़क पहुंच मार्ग बनाने की बात थी, लेकिन जिला कलेक्टर को दिए इस आवेदन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। जिस जगह मुक्तिधाम का निर्माण और टीन शेड के लिए गांव वाले संघर्ष कर रहे हैं, वह जगह श्रम मंत्री महेंद्र सिसोदिया का विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोग कई प्रकार की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जिस पर ध्यान कभी मंत्री जी का नहीं गया। इस गांव में पीने के पानी की समस्या, सीसी खड़ंजे की समस्या, हैंडपंप सहित अन्य बहुत सारी समस्याएं हैं। ग्राम के कई युवक श्रम मंत्री को इस बात का अवगत कराने के लिए कई बार मिल भी चुके हैं, लेकिन मुक्तिधाम की समस्या है कि हल होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज भी लोग खुली जमीन पर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। क्या आप विधायक महोदय से कभी बोला आपने? विधायक महोदय को अभी जुलाई में लेके आए थे, उनको 6-7 महीने पहले की बात है। वो आए थे और उनने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर में आपका मुक्तिधाम का निर्माण हो जाएगा, हेडपम्प की व्यवस्था कर दी जाएगी और रोड तक RCC खड़ंजा का भी काम चालू हो जाएगा। मगर पाँच महीने बीत चुके हैं, मगर अभी तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया विधायक महोदी जी ने। और अब तो विधायक की जगह अब तो मंत्री भी बन गए, मगर अब तो मेरा फोन उठाना गुना हो गया। ऐसे मंत्री जी को तो बनाने नहीं चाहिए थी, मेरा मतलब ये है, हम समस्त ग्रामवासियों का कहना ये है कि इस मंत्री जी को तो आने नहीं चाहिए थी, क्योंकि झूठा आश्वासन देके गया है, जबकि हमने उस लोग को बुलाया था विधायक जी को। मगर अब विधायक जी बनने के बाद अब तो क्या मंत्री बन गए, अब तो वो सुन ही नहीं रहे हमारी किसी की भी। अच्छा, और सरपंच महोदय से बोला कभी? सरपंच महोदय से भी 2-3 बार बोल चुके हैं, मगर वो ये कहते हैं वहाँ का रोजगार सहायक अक्षय कुमार साहू ये कहता है कि नयागांव की जो भी जनता मरती है वो गड़ा पंचायत में लेके आए, वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा। जबकि गड़ा पंचायत मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, मगर हम इतनी दूर नहीं जा सकते हैं। और जबकि गड़ा पंचायत में 3 मरघटशाला बन चुकी है और कलेक्टर साहब के यहाँ बोला कि वो गड़ा पंचायत में मुक्तिधाम का निर्माण हो गया, मगर 250 घर की बस्ती इतनी दूर थोड़ी जलाने के लिए जाएगी। वहाँ पर अभी तक यहाँ नहीं बनाया गया, वहाँ बनाया गया। यहाँ टीन शेड का निर्माण ही नहीं हुआ कहीं से कहीं तक। मेरा नाम बनवारी लाल राव। बनवारी, अच्छा ये बताइए, आपने कभी यहाँ नए गांव के विकास के चक्कर में आपने कभी सरपंच से नहीं बोला है? कई बार गए जी, मीटिंग में भी गए, लेकिन ये कहते हैं कि जिसको वोट दिया उस रहुआ के पास जाओ, ऐसा बोलता है वो। कौन बोलता है? रक्षित सिंह, सरपंच पति। अच्छा, सरपंच पति है? सरपंच का पति है। अच्छा, तो इस विषय में आपने उनके आगे ऊपर किसी से नहीं बोला? सबसे बोला, उनका नाम लेते ही सब शांत हो जाते हैं पूरे अधिकारी। अच्छा, तो दबाव में काम होता है मतलब? हाँ, दबाव में काम होता है। अगर कितने गड़ा पंचायत तैयार है कि भैया बात मत करो गड़ा पंचायत की, जहाँ भी जाते हैं विभाग में सब हाथ जोड़ लेते हैं गड़ा पंचायत के नाम से। हमारे यहाँ पर ना तो मरघटशाला का निर्माण हुआ है, ना कोई सीसी करंजा, ना कोई नाली, कुछ भी काम नहीं हुआ है इस गाँव में। अभी तक 5 साल निकल चुके हैं और विधायक साहब ने जो दिया था आश्वासन दिया था मतलब 10 दिन के अंदर काम करने के, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया।
अब तो मंत्री बन चुके हैं लेकिन फिर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या आपने सरपंच सेक्रेटरी को अवगत कराया? सरपंच सेक्रेटरी कराया, सरपंच जी कहता है जिसको वोट दिए उससे काम करवाओ। विधायक जी कितने दिन हो गए आश्वासन देते हुए? विधायक जी को गए 3-4 महीने। तो क्या क्या निर्माण कार्य बाकी है? यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कुछ काम हुआ ही नहीं है। 5 साल के अंदर एक भी काम नहीं हुआ। आप अभी कहाँ पे हो? मरगढ़शाला। मरगढ़शाला में देखो कितनी गंदगी पड़ी है, जो पेड़ हमारे गंदे।